गुड मॉर्निंग 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम जीटी श्री विद्यालय वेरी वार्मफुल वेलकम अगेन इन वीडियो लेक्चर सीरीज टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट माय सब्जेक्ट हिंदी। पिछले तीन वीडियो से हम हिंदी का ये लेसन क्या निराश हुआ जाए, नहीं 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 कभी नहीं, क्या निराश हुआ जाए इस निबंध को पिछले तीन वीडियो लेक्चर सीरीज से हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। हिंदी के बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध वाकई ही समझने वाला है, याद रखने वाला है, इसलिए इस लेसन को हमने बहुत ही बारीक तरीके से पढ़ने की और समझने की कोशिश की है। मुझे लगता है आपको इस निबंध में बहुत ही अच्छा लगा होगा और कुछ ऐसी बातें आपके सामने शायद पहली बार आई होगी जिसके बारे में आप न जानते। तो पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैंने आपसे बात की थी कि सोचने का तरीका हमें डेवलप करना चाहिए, तो मुझे आशा है कि आप सब छात्र इस बात पर ध्यान देंगे। आज मैं इस लेसन का अंतिम चरण आपके सामने रखने जा रही हूँ, क्योंकि इस निबंध को हमने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से पढ़ा है, तो आज हम इसके स्वाध्याय के बारे में बात करेंगे। और मुझे एक बात आपको इस निबंध के माध्यम से आपके सामने रखनी है, वो ये है कि पेज नंबर 9 पर अंतिम दो पैराग्राफ लेखक ने बहुत ही सोच समझकर अच्छे तरीके से हमें हृदय में स्पर्श हो जाए ऐसे लिखा है। तो आशा रखती हूँ मैं आपके सामने पढ़ के सुनाती हूँ, आप भी सुनिए और दूसरी बार टेक्स्ट बुक में ज़रूर पढ़िए। पेज नंबर 9 पर लेखक कहते हैं, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही ही नहीं, जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। दो घटनाएं हमने आपको बताई थी, निबंध में भी लेखक ने कहा है। तो अंत में लेखक इस चिंतन पर आते हैं और आगे वो लिखते हैं, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टमय हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हें तुम्हारे ऊपर कभी संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आप दिन उन्हें बदला ही जा सकता है, लेकिन अब भी आशा की ज्योत बुझी नहीं है, महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी, मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो अंतिम वाक्य में लेखक ने कहा है, हे मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। पूरा निबंध अच्छी तरह से आपने पढ़ लिया होगा, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करते हैं। पेज नंबर 10 पर इसके क्वेश्चन आंसर है, जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखें। 6 प्रश्न है, बहुत ही आसान है, पाठ में से ही आपको उसके उत्तर मिल जाएंगे, आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के दो दो वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें थोड़ी विशेषता से आपको आंसर लिखना है, जैसे लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों मिल गई है, तो पाठ में इसका उत्तर दिया है। लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते, ये भी पाठ में कहा गया है। देश के दरिद्रजनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया जाए, ये भी पाठ में है। और कबीर पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है, वो तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है लेखक ने। जब भी आप प्रश्न अपने आप सोचकर उसके उत्तर लिखते हैं तो बड़ा मजा आता है, थोड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस आ जाता है, आत्मविश्वास आ जाता है, यही करना है। जब भी अपने आप को तैयार करना है,
अपनी शक्ति से करना है, अपनी प्रतिभा से करना है, ढूंढना पड़ता है, समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तब उत्तर मिलते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि उत्तर वहाँ लिखा होता है, ऐसे वो पूरे पूरी लाइन वहाँ से उठाकर उत्तर में लिख दिया, ऐसा नहीं होता। कभी कभी होता है माहिती प्रदान जो आंसर होते हैं उसमें ऐसा होता है कि जो माहिती दी है वो लिखी है, लेकिन कुछ उत्तर ऐसे हैं कि जो हमें सोचने पर प्रक्रिया से मिलते हैं। तो सोचना है, प्रश्न जवाब को अच्छी तरह से सोच के लिखना है, बिल्कुल कहाँ से भी कहीं से भी कॉपी नहीं करनी है। वो तो बहुत आसान है, किसी से पूछ लिया, किसी की नोटबुक ले ली, कहीं से पढ़ा पढ़ाया लिख लिया, वो तो बहुत ईजी है। वो करना कोई अच्छी बात नहीं है और उसका कोई फायदा भी नहीं है, इट्स नॉट बेनिफिशियल। सोच कर करना है, सभी उत्तर सोच के लिखना है। और प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए, उसमें आपको विस्तार से उत्तर लिखने हैं, वो भी बहुत आसान है। लेखक का मन क्यों बैठ जाता है, निबंध के प्रारंभ में ही इसके बारे में बताया है। भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है, वो भी बताया है। धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है, वो भी बताया है। और कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी बताया है। तो ये सब निबंध में निहित है, आपको सिर्फ सोच के समझ के अपनी भाषा में लिखना है। अपनी भाषा में कि यानी कि अपनी मौलिक रूप से इस आंसर को, उत्तर को लिखना है। मुहावरे, शब्द समूह, विशेषण, भाववाचक और विरोधी शब्द, ये सब व्याकरण के मुद्दे हैं। जब भी हम इसके बारे में बात करेंगे तब आप इनमें से लिख लेना। इस लेसन नंबर 3 के जो मैं क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क में दे रही हूँ, वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरा यानी कि 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 1-4 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 1-4 क्वेश्चन, इतने ही प्रश्न जवाब आपको होमवर्क में लिखने हैं। ये जो मुहावरे, शब्द समूह, विशेषण, भाववाचक और विरोधी शब्द, हम तब करेंगे जब हम व्याकरण के बारे में करेंगे। वैसे तो हिंदी का ये अभी जो व्याकरण है ना, वो कुछ नई बात नहीं है। आपने प्राथमिक कक्षा में भी इन सब का अध्ययन किया है, आपको मुहावरे क्या है पता है, भाववाचक कटुवाचक संज्ञा पता है, शब्द समूह पता है, लेकिन जब ग्रामर के लिए बात करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। अभी तक तो आपको सिर्फ प्रश्न जवाब लिखकर मुझे सोमवार को देने हैं। कब देने हैं, मंडे को। गुजराती, संस्कृत और हिंदी, इन तीनों विषयों का होमवर्क मुझे आपको मंडे को पिक भेजना है व्हाट्सएप के ग्रुप में अपना नाम लिख के। और शॉर्टली मैं आपको नए रोल नंबर का लिस्ट ग्रुप में भेजूंगी, आप अपने नए रोल नंबर लिख लीजिएगा। तो फिर से एक बार हम यहाँ लेसन नंबर 3 समाप्त करते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको होमवर्क में दे दिए हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अब संस्कृत के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अभी संस्कृत की टेक्स्ट बुक सभी के पास नहीं है, जब आ जाएगी तब इसके बारे में बात करेंगे। तो अब संस्कृत की टेक्स्ट बुक अवेलेबल हो गई है, तो वीडियो लेक्चर में अब उस सब्जेक्ट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ओके गाइस, देखिए राजकोट में आजकल बहुत ही कोरोना के केस सामने आ गए हैं। हम समझ रहे हैं कि हमें बहुत ही जागरूक रहना है, कभी भी अगर बहुत ही ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकलना है, वरना कहीं नहीं जाना है, घर में सुरक्षित रहना है। जब भी बाहर निकले मास्क पहन के निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, ये 2 नियम हमें कोरोना से मुक्त रख सकते हैं। कोरोना महामारी का सबसे अच्छा प्रिकॉशन ये है कि हम अपने आप जिम्मेदार हो और सबका ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें। और बहुत अच्छा समय भगवान ने दिया है घर पर बैठकर अभ्यास करने का, तो अभ्यास में मन लगाइए, अपने आप को तैयार कीजिए, फिर क्लासरूम टीचिंग की जब बात होगी तब आपने सामने मिलेंगे। तब मैं तो आपसे यही आशा रखती हूँ कि आप एनरिच होकर मेरे सामने आइए, यानी कि आपकी जो ज्ञान, आपका जो ज्ञान है उसमें वृद्धि हो, आप सभी सब्जेक्ट में आप धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाएं, फैमिलियर हो जाएं। जब कोई चीज़ हमारे सामने आती है और हम उसे समझ लेते हैं ना, तो फिर आगे उसके बारे में ज्ञान अर्जित करना बहुत ही आसान हो जाता है। सो गाइस, टेक केयर योर सेल्फ एट होम। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एवरीवन।